प्रेगनेंसी में एचबीएन बढ़ाने के लिए नींबू पानी के साथ हमने लेनी है आयरन की जो छोटी सी टेबलेट, जो सिर्फ 100 mg की है, बहुत ही फ़ायदा देगी। और आयरन एंड फॉलिक एसिड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मिलती है ना, वो ली है मैंने। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी लेनी है। अब सेकंड जो मिरेकल थिंग वो मैं आपको बताऊंगी, वो है बीट रूट। हमने निकालना है बीट रूट जूस। मैं डेली पी रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं मुझे। बहुत ही एनर्जी फील होती है, थकावट बिल्कुल भी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ बीट रूट। बीट रूट को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। मेरी नेल पेंट आप देख रहे होंगे जो मेरी बेटी ने लगाई है, बहुत ही गंदी सी लगी है उसने लगाई है। और देन हमने इसे एक जार में डालकर, अगर आपके पास जूसर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत ही इजीली हम जो है जूसर निकाल सकते हैं इसको भी। मैंने जो पूरी तरह से ग्राइंड कर लिया है, पहले पानी ज़रूर ऐड कर लेना थोड़ा सा, और अब मैं एक छन्नी की मदद से इसे अच्छे से जो जूस है वो निकाल लूँगी। आप चाहे तो कोई साफ सा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है। कपड़े से बहुत जल्दी हो जाता है, छन्नी से थोड़ा टाइम लगता है। सो आपकी विषय, अगर बहुत ही हाइजेनिक और अच्छा सा क्लोथ है तो आप क्लोथ भी यूज़ कर सकते हो। बीटरूट का बहुत सारा जूस है जो वो आपके पास होगा। और जो नेक्स्ट की इंग्रेडिएंट है वो है पालक। देखिए, कुछ लोगों को पालक जो है डाइजेस्ट नहीं होती है, उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पालक की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, आप कम ही लेना। और अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होती तो आप अकेले बीटरूट का जूस भी पी सकते हो। अगर आप गाजर अरेंज कर पाएँ कहीं से तो बीटरूट और गाजर का जूस भी बेस्ट है। सो पालक को भी उसी तरह गाजर की बीटरूट की तरह ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मैंने बीटरूट और पालक दोनों का एक साथ मिक्सर बना लिया है।